बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, जिस सीट की वजह से विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया गया। सहनी को मंत्री पद भी गंवाना पड़ा। वीआईपी के सभी विधायकों को बीजेपी अपने पाले में ले आई और एनडीए में टकराव की स्थिति बनी। वहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ती गई, आरजेडी जीत के करीब पहुंचती गई। आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी प्रत्याशी को 36,653 वोट से हराया। बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी दूसरे नंबर पर रही तो वीआईपी की गीता देवी तीसरे नंबर पर। बोचहा में 12 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। बोचहा सीट पर जीत के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी और खासकर एनडीए में शामिल दलों पर हमला बोला। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत वीआईपी के मुसाफिर पासवान ने दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद वीआईपी ने उपचुनाव के लिए इस सीट पर दावेदारी दिखाई, लेकिन बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिसके बाद मुकेश सहनी और बीजेपी में तकरार और बढ़ गई। ऐसे तो ये तकरार यूपी चुनाव से ही देखने को मिल रही थी, जब मुकेश सहनी ने खुलेआम बीजेपी का विरोध किया और योगी आदित्यनाथ पर भी तीखे हमले बोले। बीजेपी ने इसी दौरान वीआईपी के तीनों विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हालांकि देखा जाए तो वीआईपी के सारे विधायक पहले से ही बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता थे और विधानसभा चुनाव में वीआईपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। बीजेपी लगातार इस सीट पर जीत का दावा कर रही थी। बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी पहले भी यहां से विधायक रह चुकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मुकेश सहनी और बीजेपी की इस लड़ाई में फायदा आरजेडी को हो गया। आरजेडी ने वीआईपी के मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान को अपनी पार्टी में ले आई और चुनाव जीत लिया। अब मुकेश सहनी के लिए भी ये चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। एक तरफ सभी विधायकों का पार्टी छोड़ना, मंत्री पद से हाथ धोना और फिर बीजेपी से अलग होकर बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ना। अब भले ही मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव हार गई हो, लेकिन बीजेपी की हार से उनके दिल में खुशी जरूर हुई होगी। आखिर मैं बता दूं कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के खाते में 43 सीटें आई थी। बीजेपी के 74 विधायक बने थे, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी से बीजेपी में शामिल विधायकों को मिला दें तो बीजेपी के पास कुल 77 विधायक हैं। वहीं लालू यादव की आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बोचहा सीट पर जीत के बाद आरजेडी के 76 विधायक हो गए हैं। इसी तरह आरजेडी गठबंधन के पास अब 111 सीटें हैं।